नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का 40वां दिन आज, किसानों ने दी सरकार को चेतावनी। 13 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाकर मनाएंगे लोहड़ी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नवनिर्वाचित नगर निगम पार्षदों को दी बधाई। विजेताओं को बधाई देकर सीएम ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन के फ्रंट पर देश के लिए अच्छी खबर। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्वीट करके खुशी जाहिर की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी सरकार को नसीहत, कहा अपनी जिद छोड़कर मान ले किसानों की बात। और आप नेता राघव चड्ढा ने भी खट्टर सरकार की तुलना जनरल डायर से की, कहा किसानों के साथ दुश्मन देश की फौजों जैसा व्यवहार कर रही है सरकार। चलिए खबरों में बढ़ते विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का 40वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। एक और जहां किसान संगठनों ने साफ किया है कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाएगा। वहीं किसानों का कहना है कि अब अगर बातचीत का नतीजा नहीं निकला तो 13 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाई जाएगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में पंचकुला में बीजेपी जेजेपी के नवनिर्वाचित नगर निगम पार्षदों और महापौर को नागरिक अभिनंदन और धन्यवाद समारोह में शामिल होकर बधाई दी। और इस मौके पर उन्होंने कुलभूषण गोयल और बाकी सभी विजेताओं को बधाई दी। विजेताओं को बधाई देकर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन के लंबे इंतजार के बाद अब अपने देश में बना वैक्सीन जल्द मिलने वाला है। यह खबर देशवासियों के लिए सकारात्मक तो है और देश के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट करके खुशी भी जाहिर की है। इसके साथ ही प्रदेश के सीएम ने भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। सीएम ने लिखा है कि यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह निर्णायक सफलता है। देशवासियों की प्राण रक्षा के लिए हम सदा कोरोना वॉरियर्स के आभारी रहेंगे। कोरोना वैक्सीन के फ्रंट पर देश के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना से बचाव के लिए अपने देश में ही बने वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, जिसे लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम किया। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार को अपनी हट छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा है कि किसानों की मांग जायज है और उन्हें जल्द ही मान लेना चाहिए। और मैं आग्रह करता हूं सरकार को कि तुरंत किसान की बात माननी चाहिए। ये जो कानून है ये किसान के हित में नहीं है। उनको या तो निलंबित करके फिर किसानों से बात करके जो स्टेक होल्डर्स है फिर दूसरा कानून लेके आए। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था, 14 अगस्त को कह दिया था जब ये कानून आए थे कि भाई तीन कानून ये लाए हो तो चौथा कानून और ले आओ कि जो भी MSP से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान करो। तो कोई वो नहीं होता, तो इस वास्ते ये जो है सरकार को तुरंत वापस कर देना चाहिए। कृषि कानून के खिलाफ सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध जारी है और अब इस आंदोलन में सियासत भी बढ़ती जा रही है। इस बीच आप नेता राघव चड्ढा ने खट्टर सरकार की तुलना जनरल डायर से की है। चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी की राज्य सरकार देश के किसानों के साथ दुश्मन देश की फौजों जैसा व्यवहार कर रही है। उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। कुछ सरकारें इस देश की, भारतीय जनता पार्टी की, राज्य की सरकारें देश के किसान के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही हैं। कल हरियाणा के ऐसे डरावने वीडियोस देखने को मिले जिसमें हरियाणा की पुलिस और हरियाणा की फोर्सेस देश के किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही हैं, ओपन फायरिंग कर रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि ये दृश्य कहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर का ना हो, जहाँ पर फिर एक प्रकार से फायरिंग शुरू हो गई है। लेकिन जब थोड़ा मैंने तहकीकात किया, तफ्तीश करी, तो पता लगा ये तो हरियाणा का वीडियो है और हरियाणा की पुलिस और फौज, हरियाणा की फोर्सेस देश के किसान पे हमला कर रही है। पृथ्वीराज से विधायक और प्रदेश वेयरहाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सराहना करते हुए कार्यक्रम में कहा है कि मनोहर लाल की सोच के कारण ही गांवों का शहर की तर्ज पर विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही रावत ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करके पहले भी 7 गांवों को नगर निगम से बाहर करा दिया है और अब अन्य गाँवों को भी नगर निगम से बाहर करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर अपील करेंगे। खबर मानेसर से है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र यादव की हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली पड़े हैं।
अभी नगर निगम में शामिल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मेरी 2-3 दौर की वार्ता हो चुकी है और कोई गांव नहीं चाहता, क्योंकि जो पहले गांव हमारे जो नगर निगम में आए हुए हैं 40 वार्डों में, उनकी हालत को देखते हुए उनकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए अन्य नए गांवों को भी हम चाहते हैं कि उसमें नहीं शामिल किया जाए। और अभी 6-7 गांव उसमें बकाए रह गए, 8 गांवों को हमने उसमें से कटवा दिया है नगर निगम में से, 6-7 गांव और मेरे रह गए, तो मैं चाहता हूँ उन 7 गांवों को भी इसमें से बचाया जाए। खबर मानेसर से है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र यादव की हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली पड़े हैं और इसी से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को रोड जाम करने की धमकी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस के क्राइम एएसपी प्रीतपाल सिंह ने पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में जांच तेजी से की जा रही है और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। इसमें आके मैंने अपनी तरफ से पुलिस की तरफ से जो भी हमारी बातें थी वो इनसे शेयर की है और गांव के लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया है, उन्होंने अपनी चीज़ें बताई हैं, तो उसमें मिल बैठ के बात हुई है और इस तरह की चीज़ें मिल बैठ के ही तय होती हैं, तो इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। हम इनके उस पर टॉप प्रायोरिटी पर लेके काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जल्द ही हम इस मर्डर को ट्रेस करने में संभव हो पाएंगे। गुरुग्राम यूं तो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन पिछले एक महीने से चल रहे किसानों का प्रदर्शन उद्योगों के लिए अब सिरदर्द बनता जा रहा है। गुरुग्राम में 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग हैं, लेकिन किसानों के कृषि बिल के खिलाफ जो विरोध चल रहा है उससे अब सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। यही नहीं, इसके अलावा अब ट्रांसपोर्ट भी महंगा होने लगा है, जिससे उद्योग को बड़ा खर्चा उठाना पड़ रहा है। देखिए, आंदोलन अब हमारा काफी बड़ा सिरदर्द बन गया है, इंडस्ट्री चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और कोई भी समस्या है 2-3 दिन तक झेली जा सकती है, बट अब ये 1.5 महीने के आसपास हो गया है। परसों का भी आप देखेंगे तो पूरा धारवाड़ा किसानों ने बंद कर दिया, तो जो भिवाड़ी रेवाड़ी से मेटल आना और हमारे लोग आना वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से पूरा गुड़गावा डिस्टर्ब है, ना मेटल आ पा रहा है ना मेटल जा पा रहा है। उसके अलावा जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमें दिक्कत हो रही है, तो हमें तो कई 100 करोड़ रुपये का यहाँ पर अब तक नुकसान हो रहा है और जो एक्सपोर्ट होते हैं हमारे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।